गाइस, मैं हूं आपकी अपनी सदफ। आप देख रहे हैं सदफ यूट्यूब चैनल। आज मैं करने लगी थी कमरे की सफाई, मतलब कि झाड़ू वगैरह लगाने लगी थी, क्योंकि आपको पता है ना कि हवा वगैरह इन मौसम में चलती रहती है तो काफी ज्यादा धूल मिट्टी आ जाती है। तो लगता है कि पूरा दिन ही झाड़ू लगता है कि, लेकिन ये सुबह सुबह का टाइम है, फर्स्ट टाइम झाड़ू लगाने लगी। साथ साथ दोस्तों से बातें कर रही हूँ, ठीक है। और सुनाए, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो मतलब सुबह सुबह किस किस की रूटीन है कि पहले सफाई करना और बाद में नाश्ता करना? मेरी रूटीन है कि मैं पहले सफाई करती हूँ और बाद में नाश्ता करती हूँ। अब मैं मतलब कि झाड़ू लगाने लगी, झाड़ू लगा के अच्छे तरीके से, क्लीन तरीके से जिसे कहते हैं झाड़ू लगाना, उससे लगा के उसके बाद मैंने मतलब के फिर बाकी काम करके फिर लास्ट में नाश्ता करना है, ठीक है। और आपने मुझे मेरे आप मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, हर मैसेज में जरूर बताइएगा, हर वीडियो में, कि मैंने ये काम किया, ये आपको काम कैसा लगा, अच्छा लगा है, और काम करने का तरीका कैसे लगा, फिर इससे मुझे अच्छा लगता है और वीडियो बनाने को और दिल चाहता है। चले आए जी झाड़ू लगाते हैं। आए गाइस, चले हम झाड़ू लगाते हैं। पहले हम लगाएंगे सेब की तरफ झाड़ू, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, आप देखिए नीचे नीचे गंद जाता है बहुत ज्यादा होती ना। ये देखिए, अच्छे से अच्छे सफाई करेंगे। ये देखिए नीचे नीचे से गंद निकालेंगे। ये देखिए कितना गंद है गाइस। और एक तो ये जो ना इस पे जो धागे लग जाते हैं ना, इससे मैं बड़ी परेशान हूँ। सारे धागे इधर चिपक जाते हैं, क्योंकि यहाँ से ना शीट फटी हुई है, तो इसलिए। ये देखिए, ये फिर से आग चिपक गई है। ये देखिए, एक मेरे झाड़ू की पीछे से स्टिक टूट गई है, वो इसलिए ज्यादा छोटा हो गया, तो बैठ के झाड़ू लगाना पड़ता है। तो ये देखें जी, अब हम सोफे के नीचे से कचरा निकालेंगे। ये देखें कितना कचरा है पल्ला। ये देखें, चले जी अब हम इस तरफ लगा। ये देखें बेड के नीचे से निकाल रहे हैं। ये देखें बहुत कचरा। ये देखें, ये देखें यहाँ से अब हम लगाते हैं यहाँ से झाड़ू, ठीक है, अच्छे से क्लीन कर। ये देखिए, ये सोफे के नीचे से भी गंद निकाल रहे हैं। ये देखिए, अच्छे से अब ये झाड़ लगा रहे हैं अच्छे तरीके से। इतना गंद निकला था क्या, ये ऊपर वाला कमरा है, ऊपर वाले कमरे की वजह से ना इसमें बहुत ज्यादा गंद निकलता है, क्योंकि ऊपर है तो फिर इतनी भी आती है हवा चलने, इसलिए ना फिर कचरा निकालेंगे। बास्केट निकालेंगे, बास्केट के बाद ये देखिए कितना कचरा आ रहा है। ये देखिए, लो जी हमारी आज की वीडियो ब्रेक लगा। हाँ तो गाइस, आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा काम करने का तरीका कैसा लगता है, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।